हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम इस वीडियो में 19 और 20 जुलाई के एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शंस हैं अमेरिका, सऊदी अरब, इराक और इज़राइल। तो भारत और अमेरिका ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिज़र्व विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और दोनों देश अमेरिका में कच्चे तेल का स्टोर करने के लिए एक MOU पर साइन कर चुके हैं। भारत के भंडार को बढ़ाने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को अपने अमेरिकी समकक्ष ऊर्जा सचिव डैन ब्रॉयलेट को वर्चुअल US इंडिया स्ट्रेटजिक एनर्जी पार्टनरशिप मिनिस्ट्रियल के साथ अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओसुका रेपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शंस हैं गैबोन, सूरीनाम, पोलैंड या मलावी। तो ओसुका रेपोंडा, जिनका पूरा नाम रोस क्रिश्चियन ओसुका रेपोंडा है, ये गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इस मैप में आप देख सकते हैं गैबोन अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। इसकी राजधानी लिवरविले है। इस क्वेश्चन के और ऑप्शंस के बारे में बात करें तो सूरीनाम के प्रेसिडेंट हाल ही में बने हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी और पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं एंड्रेस डूडा और मलावी के राष्ट्रपति बने हैं लाजर चकवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान में सॉलिड फूड वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे PPI किट के परीक्षण और प्रमाणन के लिए अधिकृत किया गया है। ऑप्शंस हैं CSIR, NABL, CIP, ET और ICMR। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET को नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPI किट के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए अधिकृत किया है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन सी CIPET सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियंस लीग में भाग लेने वाला पहला भारतीय फुटबॉल क्लब कौन सा है। ऑप्शंस हैं FC गोवा, हैदराबाद FC, जमशेदपुर FC या बेंगलुरु FC। तो FC गोवा यानी फुटबॉल क्लब गोवा 2021-22 में होने वाले फुटबॉल क्लब चैंपियंस लीग में भाग लेने वाला पहला भारतीय टीम बन गया है। तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए FC गोवा सही है। FC गोवा की स्थापना 2014 में हुई थी और वर्तमान में इसके मैनेजर क्लिफोर्ड मिरांडा हैं और FC गोवा के कैप्टन मंदर राव देसाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तमिलनाडु में हल्दी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। ये 30 करोड़ रुपए की लागत से इस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। तमिलनाडु में हल्दी की खेती वर्तमान में ईरोड, कोडुमुडी, मोदकुरिची क्षेत्रों में की जाती है। इन ज़िलों में सालाना लगभग 6 लाख टन हल्दी का उत्पादन होता है। पिछले ही साल यहाँ की हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने COVID-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित की है। ऑप्शंस हैं चेन्नई, कपूरथला, रायबरेली या लातूर। भारतीय रेलवे उत्पादन इकाई कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री ने COVID-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच विकसित की है। इस कोच में हाथों से मुक्त सुविधाओं, तांबे से बने हैंडल और कुंडी और प्लाज्मा वायु शोधन और
पैर से संचालित पानी के नल का प्रयोग किया गया है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व पर स्मृति वन का उद्घाटन किया है। लोगों से पौधे लगाने का इसमें आग्रह भी किया गया है। उत्तराखंड में केदारनाथ त्रासदी के 6वीं बरसी पर प्रदेश सरकार ने रविवार को विशेष स्मृति वन योजना की शुरुआत की है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में अभी हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क खोला गया था और हाल ही में उत्तराखंड में वहाँ का एक लोकप्रिय त्यौहार फूल देई मनाया गया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड की वर्तमान में गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विस का नया MD एंड CEO किसे बनाया गया है? ऑप्शंस है हरदयाल प्रसाद, अश्विनी कुमार तिवारी, रजनीश कुमार या नवतेज पाल। तो अश्विनी कुमार तिवारी को SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया MD और CEO बनाया गया है। इस क्वेश्चन के और ऑप्शंस की बात करें तो हरदयाल प्रसाद अश्विनी कुमार तिवारी से पहले SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के MD और CEO थे और रजनीश कुमार SBI के अध्यक्ष हैं। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और SBI के हेडक्वार्टर मुंबई में हैं। और नवतेज पाल हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पब्लिक सेक्टर का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई या 19 जुलाई। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष किए और इन्होंने जीवन भर शांति को बढ़ावा देने के लिए काम किया। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।